खबर 9 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हमारी सभी न्यूज प्राप्त करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रिया। मऊ से बड़ी खबर, राशन माफिया मोहन अग्रवाल द्वारा गरीबों के 100 करोड़ रुपए के राशन पर डाला गया टाका। पिछले 10 वर्षों से राशन की कर रहा था हेराफेरी। मऊ SDM अभिलाष मिश्रा द्वारा शासकीय राशन की हेराफेरी करने वालों के खिलाफ की जा रही थी जांच। SDM को लगातार शिकायत मिलने के बाद 17 अगस्त 2020 को शिकायत के संबंध में जांच की गई तो पाया गया कि मोहन अग्रवाल के नागरिक आपूर्ति निगम कब करियन करता है। पुत्र मोहित अग्रवाल के हर्षित ट्रेडर स्थित गोदाम डोंगरगांव मंडी प्रांगण में शासकीय राहुल से चला रहा था, जिसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के चावल के 600 से अधिक कट्टे पाए गए और मोहन अग्रवाल द्वारा बिल प्रस्तुत किए गए थे। जांच दल गठित कर जांच कराई गई तो प्रथम दत्त यह तथ्य सामने आया कि मोहन अग्रवाल द्वारा अपने सहयोगी व्यापारी आयुष अग्रवाल, लोकेश अग्रवाल एवं शासकीय उचित मूल्य की दुकान संचालक की मिलीभगत से सार्वजनिक वितरण प्रणाली का राशन की हेराफेरी की जा रही थी। जांच में पाए गए तथ्यों के आधार पर परिवहन करते हुए मोहन अग्रवाल, उनके पुत्र मोहित एवं तरुण अग्रवाल के सहयोगी आयुष अग्रवाल, लोकेश अग्रवाल एवं सहयोगी 4 राशन दुकान संचालक तथा सोसाइटी के प्रबंधक पर अब तक थाना किशनगंज एवं थाना बड़गोंदा में 5 प्राथमिकी दर्ज कराई गई। आगे जांच जारी। इंदौर कलेक्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी एवं एडिशनल SP अमित तोलानी ने कहा कि सभी फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 2000 रुपए के इनाम की घोषणा की गई। साथ ही कलेक्टर द्वारा मऊ मध्य भारत हॉस्पिटल का भी औचक निरीक्षण किया एवं वहां की समस्याएं सुनी, समस्या का निराकरण करने का आश्वासन दिया गया। एक राशन माफिया के विरुद्ध यहाँ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा कार्रवाई की गई है, FIR रजिस्टर की गई है और उसकी जो मोडस ऑपरेंडी थी, मोहन अग्रवाल नाम का व्यक्ति है, उसके पुत्र मोहित और तरुण अग्रवाल थे और आयुष अग्रवाल और लोकेश अग्रवाल दो व्यापारी थे, कुछ राशन की दुकान थी वाले थे, 4 राशन की दुकान संचालक करता थे। इन लोगों के द्वारा जो नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा राशन की दुकानों में जो सप्लाई किया जाता था सरकारी राशन, उसकी हेराफेरी करके उसको साइफरिंग करते थे बाहर मार्केट में। उसके लिए अनुज्ञा बनवाई जाती थी मंडी से, फर्जी बिल बनवाए जाते थे उसको प्राइवेट माल कन्वर्ट करने में और उसको फिर अधिक दाम पे बाकी जगह बेचा जाता था जो भी मार्केट रेट रहते थे। इसका पूरा एक नेक्सस चल रहा था पूरा। उस राशन माफिया के विरुद्ध लोकल SDM अभिलाष मिश्रा जी द्वारा उसमें FIR की गई है। कुछ दिन पहले अभी 2-3 FIR हुई हैं पिछले 10-12 दिन 15 दिनों में। मुख्य FIR अभी 2-3 दिन पहले हुई है और उसमें पुलिस को पूरी ब्रीफिंग कर दी है। एडिशनल SP साहब भी यहाँ बैठे हैं, पूरी हम लोगों ने ब्रीफिंग की है और इसमें सरकारी डिपार्टमेंट्स के भी जिला स्तर के कुछ अधिकारियों की संलिप्तता आई है सामने कि उनकी लापरवाही कह लें या उनकी संलिप्तता कह लें, उसके बारे में भी हम लोगों ने FIR में उल्लेख किया है। एक नागरिक आपूर्ति निगम का कर्मचारी गोयल नाम का है, उसकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट पाया गया है इसमें, उसका नामजद FIR की है और बाकी पुलिस जो है इसमें जो भी अशासकीय लोग हैं प्लस जो शासकीय कर्मचारी हैं किस प्रकार से गरीबों के राशन ये हेराफेरी करके और चाहे उसमें चावल हो, गेहूं हो, शक्कर हो, मिट्टी का तेल की काफ़ी इसमें हेराफेरी की गई है, इसकी जांच पुलिस करेगी आगे और जो भी इसमें दोषी होंगे पुलिस की जांच में उनके खिलाफ फर्दर आगे एक्शन लिया जाएगा। सर, कितने का घोटाला होगा? अभी जो रेवेन्यू अथॉरिटी से जाँच की है उससे मोटा ब्रॉडली एक 45-50 करोड़ का एक इन्वॉल्वमेंट पाया जा रहा है कि इतने माल की हेराफेरी की गई है। अलग अलग तरह से माल का हेराफेरी करते थे, सामान राशन की दुकानों में बिगड़ पहुंचे ही बाहर से बाला वाला निकल जाता था इनके गोडाउन पे। नंबर 2, खराब माल लाके अच्छे माल से रिप्लेसमेंट करते थे ये लोग। नंबर 3, राशन की दुकानों पे जो माल नहीं दिया जाता था आम जनता को, किसी कारण से POS मशीन में अंगूठा लगवा के कम माल दिया जाता रहा होगा जिसमें राशन दुकान संचालकों की गलती पाई गई है। 3 तरह से ये लोग राशन सरकारी निकाल करके उसको प्राइवेट अनुज्ञा बना के फर्जी बिल लगा के उसको ले जाते थे। तो ये अभी 45-50 करोड़ का आया है, पर चूंकि मोहन अग्रवाल बताया जा रहा है कि 15-20 साल से यहाँ परिवहन काम करते रहे हैं, तो अगर पहले का भी देखा जाए तो ज़्यादा बड़े अमाउंट की आने की संभावना है। ये हम लोगों का अलग से आकलन चल रहा है, हम लोगों का इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ से पुलिस के अपराध सिद्ध जो प्राइम फेसिया हम लोगों को लगा है, हम लोगों ने अब पुलिस को दिया है, वो उसमें कितने भी अमाउंट का होगा, अपराध अगर सिद्ध पाया जाता है सजा उतनी ही है उसमें। यहाँ पर SDM मऊ साहब अभिलाष मिश्रा ने एक जाँच की थी जिसमें राशन माफिया मोहन अग्रवाल, उनके दोनों बेटे तरुण और मोहित
लोकेश अग्रवाल, आयुष अग्रवाल एवं अन्य लोगों की संलिप्तता पाई गई है राशन के हेरफेर में। उस पूरे सिलसिले में एसडीएम महू द्वारा जांच की गई। जांच के बाद पुलिस के पास प्रतिवेदन भेजा गया, जिसके बेसिस पे बड़गोंदा थाने और किशनगंज थाना में FIR लॉन्च हुई है। टोटल 5 FIR, 4 बड़गोंदा थाने में, 1 किशनगंज थाने में है। इस पूरे मामले का सार ये है कि ये लोग राशन गोडाउन कंट्रोल का राशन उसका पूरा हेरफेर करते थे और इससे अवैध लाभ जो मिलता था उससे कमाई करते थे, जिसपे 420 धारा का, 120 धारा का, 120B, 467, 468, 471 ये धारा लगाई गई है। सर इसके ऊपर कोई इनाम की घोषणा की? यस, इन सभी लोगों के ऊपर इनामी घोषणा की गई है सबके ऊपर। इनफैक्ट इनकी कुर्की की कार्रवाई भी शुरू की जाएगी बहुत ही जल्दी, जहां पर अगर ये सामने नहीं आ रहे खुद तो इनके घरों की और इनके दुकानों की नीलामी की जाएगी। सर कितने की इनाम की घोषणा की? 2,000 रुपये के इनाम की घोषणा की गई है। सत्य 17 तारीख को कलेक्टर साहब के निर्देश अनुसार एक सूचना प्राप्त हुई और कलेक्टर साहब ने निर्देश दिए कि ऐसी सूचना है, और वहाँ पर जब जांच प्रारंभ की गई तो प्रथम दृष्टि वहाँ बोरे मिले, और जब उस बोरे के संबंध में जिसका गोडाउन था वो और परिवहनकर्ता मोहन अग्रवाल जो कि नान का राशन जो है उठा के सरकारी राशन कंट्रोलों की दुकान पर पहुँचाते हैं, उनके द्वारा जो बिल दिए गए वो बिल जाँच में फर्जी मिले, तो वहाँ से शक का दायरा बढ़ा और उसके बाद अलग अलग पहलुओं पर जाँच करते हमें पता चला कि ये थोड़ा एक सिंडिकेट टाइप का ऑपरेशन इनका नज़र आ रहा था, कि माल जो सरकारी माल है, जो गरीबों का माल है, जो गरीबों तक तो पहुंचना चाहिए वहां तक ना पहुंच के ये साइफन कर रहे थे, और कई कंट्रोलों से माल इकट्ठा करके उसको कंट्रोलों को कुछ पैसे में खरीद के और फिर ये आगे फर्जी बिल के माध्यम से, अनुज्ञा के माध्यम से, खराब माल से बदल के, अलग अलग प्रणालियों के माध्यम से, अलग अलग व्यापारियों के माध्यम से, जो दो प्रमुख व्यापारी इसमें आए हैं आयुष अग्रवाल और लोकेश अग्रवाल, इन सब के माध्यम से अलग अलग जगह बेचा करते थे। सर कितने दिन उन्होंने जांच पूरी कंप्लीट करी है? जांच कंप्लीट अभी भी नहीं हुई, अभी भी जांच चल रही है, पुलिस इसको और बारीकी से जांच करेगी। जब उन्होंने बिल दिया तो जिस पार्टी ने बिल दिया था उसे बुलाया गया, तो उसने बोला मैंने इनको बिल नहीं दिया था, मैंने तो सामान इनको दिया था। उन्होंने बोला था कि सामान मैंने लिया है, ए पार्टी ने सामान लिया है लेकिन बी पार्टी को बिल दे दिया, तो सामान एक्चुअली ए जगह गया था लेकिन वो बी को, अब वो बी बिल क्यों लेगा फर्जी, क्योंकि उसको कहीं से अपना कवर करना है, बिल दिखाना है कि हमारे पास इस सामान का बिल। तो इस तरह की मोड़े सौपरंडे यही जो हमने अपने प्रतिवेदन में पुलिस को लिखा, पुलिस उसमें और बारीकी से जांच करेगी, तो हो सकता है ये जो लिंक हम बता रहे हैं और डीप लिंक मिले, और जो हमने दो डिस्ट्रिक्ट के नाम बताए नीमच और मंडला, जहाँ के इन व्यापारियों के साथ कनेक्शन थे, और वो दोनों ही कनेक्शन में FIR ऑलरेडी दर्ज हो गई है। तो जब नीमच वाला प्रकरण हुआ था तो हमने वहाँ पे पता लगाया तो नीमच में ऑलरेडी FIR हो चुकी थी, मंडला में हमने जब दिया था तो उसके एक दो दिन बाद हुई, पर मैं ये नहीं कह सकता कि हमारी वजह से, हो सकता है वहाँ पे प्लानिंग चल रही। महू से कैमरा पर्सन सोनिया के साथ संजय वर्मा की रिपोर्ट। आज की खबरों में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।